कम बैक, करामत काजमी इज हियर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में और विटामिन्स की मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं, मुख्तलिफ इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि विटामिन्स क्या रोल्स हमारी बॉडी में क्या क्या हैं और इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, यानी क्या एक चीज खाएं तो हमें कौन सा विटामिन मिले और एक दिन में हमारी बॉडी को विटामिन की कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, रिकमेंडेड अमाउंट कितनी होती है एक दिन में। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं विटामिन को। लेक्चर को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर एक टाइप क्लियर हो सके। तो विटामिन क्या होते हैं जी? ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को माइन्यूट क्वांटिटी में, कम मिकदार में चाहिए होते हैं बॉडी को ग्रोथ के लिए, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप आ जाती है जी विटामिन ए। तो विटामिन ए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर यंग लुकिंग स्किन, यानी आपकी स्किन जो है ना वो बड़ी अच्छी से दिखे, जैसे आप यंग हो, इस तरीके से आपकी स्किन को ये बड़ा यंग रखते हैं, यानी उसकी लुक ऐसे लगती है जैसे आप बड़े यंगस्टर्स में से, चाहे जो आपकी एज बेशक ज्यादा हो चुकी हो। और इसके अलावा ब्यूटीफुल हेयर है, इसके अलावा हेल्दी नेल्स, शार्प विजन एंड स्ट्रांग बोन्स, यानी आपकी नजर बहुत तेज होगी, ठीक है, स्ट्रांग, आपकी हड्डियां बड़ी मजबूत होंगी। और बात यह है कि विटामिन ए मिलते किस किस चीज से? तो इसमें हमारे पास बहुत से इसके सोर्सेज हैं, कैरेट है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, हार्ड चीज है, स्पेनिज, मिल्क, कॉटेज है, चीज है, एग, फिश, और इसके अलावा मिल्क है, लिवर, ये सारी चीजें ऐसी हैं, अगर इनको हम खाएंगे तो हमें विटामिन ए मिलेगा। और रिकमेंडेड अमाउंट जो है पर डे, तो वो उसकी जो मिकदार है वो 0.4 से लेकर 1 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से हम ले सकते हैं। और ये जो हम ऊपर में जिन बात तस्करा कर आया हूँ, अगर ये आप खा रहे हैं इट्स मीन कि आपके बॉडी को विटामिन ए मिल रहा है। इस तरीके से विटामिन B1 की बात की जाए तो ये आपके एफिशिएंट ब्रेन के लिए, गुड डाइजेशन के लिए, हेल्दी मसल्स, हेल्दी हार्ट और क्वालिटी स्लीप के लिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ कहाँ से मिलेंगे जी? ब्रिविंग यीस्ट से मिलेंगे, पॉक्स से, नट्स, ओट्स, वीट, ग्रास, लेग्यूम्स। और इसकी भी अगर बात की जाए एक रिकमेंडेड अमाउंट पर डे क्या है जी? 1.3 से 2 मिलीग्राम पर डे। और द नेक्स्ट वन इज विटामिन B12। B12 जो है रिस्पॉन्सिबल है रीजनरेटेड सेल्स के लिए, शार्प विजन के लिए और हेल्दी मसल्स के लिए। कहाँ कहाँ से मिल सकता है जी? मिल्क, एलमंड्स, एग, मशरूम्स, कॉटेज चीज, यीस्ट, मीट से। और इसकी रिकमेंडेड जो अमाउंट है वो है 1.3 से 3 मिलीग्राम पर डे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी विटामिन B6। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर यानी आपका जो नर्वस सिस्टम है और इसके अलावा बॉडी और इस बॉडी का हेल्दी होना और इसके अलावा आपकी ब्लड वेसल्स का सही मजबूत रहना, उनको मजबूत रखना, उसके अंदर इस विटामिन B6 का रोल हो जाता है। और कहाँ कहाँ से हमें मिलता है? ये सीरियल्स है, ग्रीन सैलड है, क्वेबेज, बनाना, वॉलनट्स, वीट, ब्रॉन, सेलमन, मीट। और इसकी अमाउंट की बात की जाए कि कितनी रिकमेंडेड अमाउंट है वो टेबल के मुताबिक 1.6 से लेकर 2 मिलीग्राम पर डे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी विटामिन B5। B5 के सबसे पहले बात करते हैं जी रिस्पॉन्सिबल किस किस के लिए है। गुड मेमोरी के लिए, चीयरफुल मूड के लिए, हेल्दी ब्लड वेसल्स और हेल्दी हार्ट, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ से मिल सकता है जी? चिकन खाने से, एग योक से, डेयरी प्रोडक्ट से और दालें, उसके अलावा ऐसे फ्रूट्स, फिर यीस्ट, राइस, ठीक है, इन चीजों से आपको ये मिलेगा। रिकमेंडेड अमाउंट कितनी चाहिए जी? 5 मिलीग्राम पर डे। इसके बाद हम बात करेंगे जी विटामिन B12 की। ये क्या करता है जी? हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल वेट, गुड इम्यूनिटी, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को ये अच्छा रखता है। हम किसी बीमारी के खिलाफ हमारा जो बॉडी है, हमारी इम्यून सिस्टम है, वो अच्छे से फाइट कर लेता है। साउंड मेमोरी में और इसके अलावा हेल्दी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसको हम GIT ट्रैक कहते हैं, उसको हेल्दी रखने के लिए भी विटामिन B12 अच्छा होता है और ये उसके अंदर रोल प्ले करता है। अब पॉइंट ये है कि हम क्या ऐसी चीजें खाएं जिससे हमें विटामिन B12 मिले। तो सोया बीन्स है, उसके अलावा हॉप्स हैं, स्पेनिज है, कैल्स, ऑस्टर, फिश में फिश है और इसके अलावा चीज है, मिल्क है और इस तरीके से एग योक है। तो इसकी भी रिकमेंडेड जो हमारी हमें जो एक दिन में चाहिए रिकमेंडेड अमाउंट वो है 2 से 5 मिलीग्राम।
वाइटामिन सी की बात की जाए तो ये हमारी बॉडी के अंदर हमारी स्किन को स्मूथ रखता है, इम्यूनिटी के स्ट्रांग करता है, चीयरफुल मूड, यानी आपका जो मूड है वो बड़ा खुशगवार सा रहेगा, हेल्दी हेयर और नेल्स। और ये कहाँ कहाँ होता है जी, डिल में, सिट्रस फ्रूट्स में, रोज हिप्स, सीज, बग थॉर्न्स में, रेड फ्रूट्स, ठीक है, पीज, बीन्स, रेडिश, ठीक है। और रिकमेंडेड इसकी जो मिकदार है हमारी बॉडी को वो 70 मिलीग्राम हमें चाहिए। विटामिन डी की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्दी बोन्स, गुड ब्लड सर्कुलेशन, इम्यूनिटी टू कोल्ड्स, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स। कहाँ कहाँ से मिलता है जी, चीज, बटर, एग योक, फिश, सी फूड, पोटैटोज, वेजिटेबल्स। और इसी तरीके से जैसे पीछे विटामिन्स की बात करते आ रहे हैं, ये भी मिलता है जी, हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, रिकमेंडेड जो अमाउंट होती है वो 2 से 5 मिली ग्राम चाहिए होता है। विटामिन ई की बात करें तो ये हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके अलावा प्रोटेक्शन है, इसको इसके अंदर जो है अगेंस्ट द एनवायरमेंट, इससे क्या करता है जी, इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। मीट से, उसके अलावा कॉर्न है, सी नट्स हैं, फिर पम्पकिन है, और इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स इनसे मिलता है। और अगर बात की जाए कि कितना रिक्वायर्ड होता है तो 30 से 50 मिलीग्राम हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। और विटामिन के की बात की जाए तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फास्ट हीलिंग, अगर आपको कोई जख्म वगैरह लग जाए तो जख्म को ठीक करने में, और इसी तरीके से नॉर्मल ब्लड कोगुलेशन में। कहाँ कहाँ से मिलेगा, स्पेनिच है, नेस्लेज, क्यूली फ्लावर्स, कैरेट्स, टोमेटोज, ग्रीन टी। रिकमेंडेड अमाउंट की बात की जाए तो 1 से 2 मिलीग्राम हमारी बॉडी को चाहिए होता है। तो यहाँ तक हमारा ये था आज का लेक्चर। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। और इंशाल्लाह हज़रत नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।